तो विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा। जब बोका आई तो महकबे करी बैठ तब बोका आएगा तो महकबे करेगा, इसका मतलब बोकवा महकता भी क्या होता है तो प्रभाव क्षेत्र में रहता है। सुना तो बोका है, बोका महकियो सकता है और बोका सिंहो मार सकता है। हती हती जब निकल रहेला बोका का दू गो गुण, एगो तो पहले देह महका के तब तो सिंह मारी, इसका मतलब हो गया दू गो क्षेत्र हो गया, दू गो प्रभाव होगा। आवेश आई दुनू मैंने महका महका के हूँ कि खड़ा हो हेडिंग दीजिए गोलीय संधारित्र की धारिता। आइए हेडिंग दीजिए गोलीय संधारित्र की धारिता। ये देखो सबसे पहले हम किसी गोला पर विचार करेंगे, ये कौची हो गोला, ध्यान दें ना तो बुझाई कुछ ना आ लटका लेबे लोला, गर्मी लगी तो का पीबे बा बहादुर पढ़िए सन आइए कुली रट के चलिए सन पढ़ाई करो सर। गोलीय संधारित्र है क्या है, अब इसका केंद्र ओ है, केंद्र क्या हो त्रिज्या क्या है, और केंद्र पर हमने आवेश को रखा प्लस क्यू, कैसा आवेश रखा, तो जब आवेश आएगा तो विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा। जब बोका आई तो महकबे करी बैठ तब बोका आएगा तो महकबे करेगा, इसका मतलब बोकवा महकता भी क्या होता है तो प्रभाव क्षेत्र में रहता है। सुना तो बोका है, बोका महकियो सकता है और बोका सिंहो मार सकता है। हती हती जब निकल रहेला बोका का दू गो गुण, एगो तो पहले देह महका के तब तो सिंह मारी, इसका मतलब हो गया दू गो क्षेत्र हो गया, दू गो प्रभाव होगा। आवेश आई दुनू मैंने महका महका के हूँ कि खड़ा हो मैंने जर पढ़ाए मुँह में कौन कॉन्सेप्ट निकल बे क्यों क्या है आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र ठीक है आ इसके चलते विभव भी बनता है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बता चुका है वर्मा, विभव का फॉर्मूला बता चुका है वर्मा, तो इसका मतलब हुआ कि आवेश अगर रहेगा तो विभव भी बन सकता है, आवेश अगर रहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र भी बन सकता है, बनेगा कि नहीं बनेगा। टोपा देख ना टोपा, तब अब इस आवेश के चलते मान लो किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान भी मान लिया जाए, तो कौनो बिंदु पर मान सकते हैं, हई बिंदु मेरी प्यारी बिंदु, तब कहिएगा का सर कौनो बिंदु पर तो अलग अलग विभव नहीं होगा, नहीं होगा, आवेश जब उतने बा और सब बिंदु के दूरी बराबर बा, कहे कि वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती हैं, इसका मतलब दूरियां सभी के सभी बराबर होंगी, तो सब दूरियां जब बराबर होंगी श्रीमान तो इसका मतलब हुआ विभव का मान भी क्या होगा बराबर होगा। तो हम अगर लिखते हैं वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है कि लिख दें थोड़ा सा काला से, तब ये काली काली आँखें हैं देख हाँ ये हरी हरी हो गई, तब कतनों देखाई हरी हरी बकवा बोलत नहीं खे देखे नहीं सब पुरान गाना है बोली अब बोली हाँ अरे देख करिया गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का करी गोर करिए देख सब पर तो गाना बोलने का करबे भी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा अभी सूत्र से काली खोलबा क्यू बराबर सी भी तो सी बराबर हो गया क्यू बटा भी सी बराबर क्यू बटा क्यू का क्यू लिख दो भी का वैल्यू भंबर दो भंबर क्यू से क्यू कुकिया गईलेन बोका के मेटावे दो न तो लिख दिए सर कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक हाँ इधर देखो सी ऊपर गया 4π एप्सिलॉन नॉट यार। अब गोलीय संधारित्र की धारिता जब पूछेगा तो हई फॉर्मूला लगेगा हई आर हो ठीक है 4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये ना होता है जी तो ये तो बाई में बात तब न मिर्गी में बा
बाई कहाँ बाहू को ये है बाई में हौ है कोची में तो जब है बाई से चला जाएगा मिर्गी में तो हो मिर्गी से चला जाएगा कोची में वाह वाह हजूर तो हेतना ना भालू होएंगा तो घेर नहीं तो ढीक का चिका ढींग का चिका आई ढींग का चिका ठीक बा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर लाल चित्र आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले वो बनाएंगा आ सुनो और उसके बाद हरी हरी में हम लैंग्वेज लिखवाएंगा आ तुम तब आ दूसरा फॉर्मूला होता हाय जो सिद्ध करवाया हाय हाथरा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी ठीक है हो देख अरे देख सी इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो गया आर ठीक है ध्यान दीजिए चिरकंडा ये सी 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 जितना सी सी आइएगा धारिता हो सी मने धारिता तो का धरता आवेश आ इसका मात्रक हो गया फायराड क्या हो गया फायराड ध्यान देना है हम लोग मात्रक हम लोग मात्रक से पहचानेंगे कि सवाल में क्या दिया गया है सी बराबर क्या हो गया धारिता मात्रक फायराड डे नहीं फायराड डे फायराड तब ज़्यादा मत बताओ हमारे की क्यों का है आवेश लड़की पट्टी ध्यान दिया सन गुलाम भी क्या है भंभोरन भंभोरन विभव ए मने क्षेत्रफल ए मने मीटर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 गुणे 10^-12 समझ लिया है कूलाम स्क्वायर सॉरी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर सही है ठीक है डी तो दूरी डी है दूरी दूरी का मात्रक मीटर मिस्टर के को सुनो केक नियतांक है के का हो नियतांक तो ये दिया रहेगा आपको के का वैल्यू दिया रहेगा चाहे कह दे परावैद्युत नियतांक का मान इतना ऐसे दे सकता है बढ़ जाइए है गोलिए वाला है गोलिए वाला नहीं है कि है गोलिए वाला है इसका वैल्यू हम लिखवा चुके हैं अभी खड़ा होक जन के सूर्य उतर बेर बेर बबरी झारता है खड़ा होक 5 फूफा किसका मान हाँ वेरी गुड इधर से नहीं पहचानेंगे बैठा ना तो हई सी एक मिल जाए तो हो जाए सी सी इधर से हम पहचानेंगे कोची का मान दिया है समझ लिया है मान लगे कि नहीं 6 सी क्यों का मान है हई दे बा 6 अभी लिख दीजिए 6 एफ लिख दीजिए मैंने हेने का टाइटल दिया रहेगा तब पहचानेंगे कि हेने क्या है सरनेम दिया रहता है उससे जात का पता लगता है तो लास्ट का है वही है 6 वही है लास्ट का टाइटल बदलेगा तो जात क्या होगा बदलेगा तब पहचानेंगे अगर मान लो 6 मीटर स्क्वायर लिख देते तो क्या होता क्षेत्रफल होता समझ रहे हैं नहीं समझ रहे तो सबसे पहले आप इसको जल्दी से उतार लीजिए इसी पर सवाल हम बनाएंगे सुनिए मेरी बात यहाँ दिया है 100 वोल्ट दिया है ना तो भी का मान हो अब देखो दूसरा चीज़ क्या दिया है 177 PF अरे बोकवा पहले अभी आसान क्वेश्चन बता रहे हैं हला मत करो सब उसके बाद चलेगा मोटर का भूजा अभी क्या खिलाएंगे लॉलीपॉप कोई भी खा सकता है छोटा छोटा बच्चा बूढ़ा से बूढ़ा आदमी लेकिन मोटर का भूजा खाने के लिए दाँत का मजबूत होना जरूरी है तो आपको पहले इसके द्वारा दाँत हम मजवा रहे हैं और जब मजबूत हो जाएगा तो उसके बाद कटास क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसमें तो ये पहलका समझिए कि पहलका एपिसोड चल रहा है आज उसके बाद इसमें 2 एपिसोड और चलाएंगे आपको कहना है पीको फायराड क्या है तो जब यहाँ बाटे एफ तो एफ मने तो सी सुनो तो 177 पी के मान लो 10^-12 पता कि नहीं होता है आवेश का मान निकालना है कुछ का सूत्र से खाली खोल पाया पहला फार्मूला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा पहला वाह छुहाड़ा तो हो गया सी बराबर क्यू बटा भी तो क्यू बराबर तीसरा तीस गुणा कर सी भी सी सी का मान देखो 170 10^-12 भी का मान रखिए 100 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ अरे भी क्या हटाना दो क्या गति चलो -10 ये हो गया कूलाम चूँकि मात्रक है तो कूलाम हो जाएगा सुनिए 2 मिनट का समय है अभी 5 मिनट का हाई आप उतार लिए हैं का हाँ जल्दी छपाइए क्वेश्चन और बताएं जब एवोगाड्रो संख्या के समतुल्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक चालक से दूसरे चालक में होता है क्वेश्चन देखो ए भाई वर्मा का नोट्स तेरे पास है न्यूमेरिकल का भाई न्यूमेरिकल का नोट्स आपके अभी के लिए नहीं कंपटीशन के लिए भी जरूरी है नोट्स एकदम आप लोग लेकर रखें 2 चालक है कि नहीं
एक चालक से इलेक्ट्रॉन निकल रही है, दूसरे चालक में जा रही है। ताकि इधर कहता कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो कहता इलेक्ट्रॉन उतने गया जितना एवोगाड्रो संख्या होता है। क्वेश्चन देखो, जब एवोगाड्रो संख्या के समतुल्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक चालक से दूसरे चालक में हो रहा है, एवोगाड्रो संख्या के समतुल्य, एवोगाड्रो संख्या के बराबर संख्या के इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। हमने कहा चार दर्जन बकरियां तुम्हारे खेत में चर रही हैं, तो दर्जन मने पता ना होला का बा, तो बकरी की संख्या पता चलेगा नहीं। तो पहले तो पता करना पड़ेगा, कहा था कि तो अगर दर्जन का मतलब पता हो कि बारह के होता है तो चार से आप गुना कर दीजिएगा, यही ना है। उसी तरह कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या के बराबर संख्या एक चालक से दूसरे चालक में गया इलेक्ट्रॉन, तो कितना कौन बताएगा बोलो। वाइट यानी कन्फ्यूजन हो तो नहीं के बोला हो। एवोगाड्रो संख्या होती है 6.022 × 10³। कहीं कहीं लिखा रहता है 6.23, क्या लिखा रहता है? तो एन का मान दिया है कितना, फिर कौची का मान दिया है, एक और विभव विभवांतर दे दिया, भी का मान। अब आपको निकालना है कौची धारिता, धारिता कह रहा है धारिता निकालो। सुनो पहले फॉर्मूला लगाइएगा, C बराबर Q बटा क्यू के मान दे ले, दिमाग लगाओ तो कौन फॉर्मूला लगी। हाँ वेरी गुड, क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, पढ़ाए हैं क्वांटमीकरण। और भी का भी एन का मान है लिखा जाएगा, ई का मान 1.6 × 10⁻¹, पता है ना। अभी का मान भंभोर के कटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस टाइप का हल्का हल्का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का भी बनाइए, भारी भारी में चलेंगे इसके बाद, ठीक है, बनाइए इसको।